तो ये लोग खूब जोरों शोरों से खा रही, पता है लगता है लोग का पेट खराब है। पेट खराब फ्री मिला है, फ्री मिला। हेलो सबको जोहार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला का चैनल में आप लोग का स्वागत है फिर एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि सब आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आप लोग के साथ में कुछ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। पता है, पता नहीं मेरा घर में क्या हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। दोस्तों ये देख रहे मिरर, इसको मैं कितना शौक से लाई थी। ये मिरर को मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दोस्तों ये मिरर देख रहे आप लोग, इसको मैं पता है कितनी शौक से लाई थी कन्याकुमारी से, और ये अपने आप रखा रखा घर पे फूट गया। वो भी एक एक नहीं, दो दो मालूम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि ये कैसे टूट गया। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये कैसे ऐसे हुआ, क्या रीजन है। ये घर पे रखे रखे, पता है मैं वहां पे इसको देखी थी, मुझे इतना पसंद है, मैं घर से ही सोच के गई थी मतलब कि मैं वहां से लेके आऊंगी शंख वाला मिरर, और मैं इसको लेके भी आई। और देखे ना ये दोनों का दोनों टूट गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टूट गया कैसे, कैसे टूटा, रखा रखा अपने आप टूट गया। दोस्तों बोलते हैं मिरर ऐसे नहीं टूटता है, वो कुछ गलत मतलब क्या अनहोनी का मतलब अनहोनी होने वाला रहता है ना, उसको आभा करता है, मतलब ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया ऐसे। लेकिन मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि ये क्यों टूटा, कैसे हुआ। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। देख रहे इसका डिजाइन कितना सुंदर है दोस्तों, इसका डिजाइन देखिए कितना शौक से लाई थी मैं इसको, बहुत शौक से। एक दिन भी यूज भी नहीं किया। मैं हॉस्टल पे रहती थी तो वहां से मैं खरीद के लाई, और हॉस्टल पे तो ऐसे कहाँ पे रखूंगी बोल के वहां पे कभी यूज नहीं किया। और इसको मैं ऐसी बैग में रखी थी और घर लाई, मैं यूज भी नहीं की और ऐसे हो गया। शायद लगता है मेरा घर में भूत है शायद, इसलिए टूट गया। दोस्तों ये मेरी बहन आ गई है ट्यूशन से, अभी आई गाइस करती हूँ। आज बहुत जल्दी आ गई गुड्डू, तुम 4:30 बजे, मैं अकेले बैठी बैठी गेंद खा रही हूँ, पता है मुंह पूरा कस्सा लग रहा है। देख दोस्तों ये गेंद है, पता है ये जंगल में मिलता है इतना सारा गेंद, आप लोग आ जाइए खाने के लिए गेंद। फायदा क्या है पता है दोस्तों, अगर आप लोग का कभी पेट खराब हो जाए ना, आपके तो पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब नहीं होता है, जैसे पेट खराब हो जाएगी तो ये देसी दवा है, कच्चा में बहुत कसा लगती है पता है। बार बार जो बाथरूम जाते हैं ना, तो इसको कच्चा में खाइए ना, मतलब बाथरूम मेरे को तो लगता है कि एक दिन बाथरूम भी नहीं होगा इतना कसा, मतलब जो पेट को पूरा बांधता है। दवा खाने का जरूरत नहीं है, देसी उपचार है। हमारा गांव देहात में जैसे खाना ज्यादा खाता है, चाहे कुछ भी ज्यादा खा लिया ना, अब पेट खराब होता है ना, तो लोग यही वाला को खाते हैं, ठीक हो जाता है ना। बेल खा लेते, बेल से भी होता है, मैं दिखाऊंगी बेल। बेल में तो और खतरनाक होता है, मेरे को लगता है पेट खराब होता है तो है ना। हमारे घर में सब अवेलेबल है ना। देखिए दोस्तों ये बेल, इसको अगर आपको बाथरूम 4-5 बार हो गया ना, और ये बेल को अगर आप लोग फोड़ के पानी में डाल के पीजिएगा, चाहे ऐसे ही खाइएगा ना, पता है मुझे लगता है 2 दिन से बाथरूम ही नहीं लगेगा, लगेगा पता लगता है तुम्हें नहीं। ये देसी उपचार है, देसी। आजा रूबी, तुमको भी पेट उठ खराब है, ताजा खाने के लिए तो बहुत ज्यादा केन खा लिए हम लोग, वैसे लग रहा है पूरा यहाँ पे देख रहे हुलिया पूरा चेंज करके रखे, खा खा के इंदु और रूबी पूरा देख रहे, खा खा के पूरा गिरा के रख दी है। नहीं रे, लगता है पेट खराब है तुम लोग का भी दोस्तों, घरेलू उपचार अच्छा लगता है खाने में। देख रहे मैं इतना सारा खाई कितना सारा खाई मैं, बाप रे इतना सारा मैं अकेले खा गई। देख रहे कितना बिज्जा मैं इकट्ठा कर दी
बहुत सारा मैं केन खा ली दोस्तों। चलो आगो को जलाओ, अभी हो रही है शाम दोस्तों। मेरी मम्मी पापा लोग अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं। जाती हूँ मैं। तो मेरी मम्मी पापा आ गए हैं और पूरी भुजिया और चूड़ा ला दिए और लाल चाय बनाई हूँ सब में हाथ मिलकर। उधर पे लोग भी खा रही है, कैसे खुश दी देखी। किमी को भी खिला रही है ना रे, खिला दे चाय भी, खिला दे चाय भी, खिला किमी कैसे खा रही है, दे दो छोटू को भी। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए लाल चाय अदरक वाली चाय। कौन खाएगा हमारे बाहर का खाना है, क्या क्या बताते हो। बस खाना खा लिया दोस्तों, अब जा रहे सोने के लिए। लेकिन क्या सोऊंगी, इतना ज्यादा खटमल हो गया हम लोग का पलंग पे ना दोस्तों। देख रहे पूरा दीवार पूरा रेत कर दिया, खटमल मरा मरा के बहुत ज्यादा। रात में इतना काटती है, इतना काटती है ना कि मच्छर उसके सामने फैल गए पता है। ये सब कुछ नहीं दोस्तों, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप लोग को मेरी ब्लॉग कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। फिर आप लोग को मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।